हाँ बच्चों, जय श्री एलसी भाई। जितेंद्र सर स्वागत करें बच्चों का। बिल्कुल वेलकम। आज 21 जनवरी है 59/90 जो एक गुरु नीति का मुहिम चालू हुई थी 26 अक्टूबर को, वो जनवरी के लास्ट पड़ाव में जो है ये आप मान के चले अप्रोक्सीमेट 67% के लगभग जो है वो अपना सिलेबस कवर अप अपन कर चुके हैं। ओके, तो 5 मार्च को लास्ट वीडियो आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा और तब तक ये जितनी भी सीरीज है इसको आप इस प्रकार देखते भी रहें और लास्ट में जब नीट का एग्जाम होने वाला होगा उस समय ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये दिन से शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स फोर। इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने हिस्ट्री से लेकर कुछ एक क्वेश्चन थे वो बताए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया, उसके अलावा जो एक्सेप्शन बने थे मोनोहाइब्रिड के और डाईहाइब्रिड के उनके विषय में भी बात की थी। डाईहाइब्रिड के लिंकेज एक्सेप्शन बनेगा उसके क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। आज अपन बात करेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की और इसके अलावा जो हार्डी विनबर्ग का लो है उसके विषय में बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी, कुछ पॉलीजेनिक के भी, कुछ पॉलीजेनिक के क्वेश्चन भी हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। व्हेन अ सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू फीमेल पेरेंट, केवल फीमेल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल है, यानी यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया ये, इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट, इसका मतलब है न्यूक्लियर ट्रांसमिशन तो ये नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रांसमिशन होता तो मेल या फीमेल दोनों के द्वारा वो वाई पेरेंटल होता क्यों, और सेक्स लिंक्ड में अगर बात करते हैं तो वाई लिंक्ड होता तो एक पेरेंट के द्वारा हो जाता, वो भी यूनिपेरेंटल, वो मेल टू मेल, वो मेल टू मेल, ये साइटोप्लाज्म वाला मेल से मतलब मदर से फीमेल से प्रोजेनी से प्रोजेनी और मेल दो और मेल और फीमेल दोनों में, बिल्कुल। तो प्रोजेनी किसी भी सेक्स की हो सकती है लेकिन जो पेरेंट होगा वो फीमेल कहलाएगी, फीमेल पेरेंट से अगर इनहेरिटेंस हो रहा है इसका मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहलाता है, इसी को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इसका मतलब है जीन ही अगली जनरेशन में पहुंचेगी, तो फिर जीन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होगी, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट, मतलब दो ही सेल ऑर्गेनेल ही है, हां माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्यों, तो इसमें अपने को फीमेल के द्वारा इनहेरिट हो रहा है, फीमेल के द्वारा इनहेरिटेंस डायरेक्ट आंसर होगा आपका रहेगा साइटोप्लाज्म, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 110 जी सर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज द कौन वही आ रहे हैं ये अलग, हां ये अलग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन, अभी अभी अपन ने बात भी की थी कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट उन्हीं के अंदर जो जीन मौजूद है, तो यहाँ पे अपने को ऐसी दो सेल ऑर्गेनेल देखने, क्लोरोप्लास्ट में है लेकिन राइबोसोम ऐसा नहीं है, ईआर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों, तो अपना ये परफेक्ट आंसर चला था, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों अप्रोच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। जो पहले क्वेश्चन 109 के दौरान ही इसके विषय में आपको बता दिया गया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी यतिंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 111 सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। पहले तो बच्चों को अपन थोड़ा सा ये बता देते हैं एलिलिक और नॉन एलिलिक क्या होता है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाई जा रही है जीन तो ये कैसा बन जाएगा, एलिलिक इंटरेक्शन हो जाएगा, क्यों जी। और अगर नॉन होमोलोगस पर प्रेजेंट है जीन तो उन दोनों जीन को अगर कंसीडर किया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, नॉन एलिलिक। जैसे ये सेकंड क्रोमोसोम है ना, बिल्कुल, और एक और होमोलोगस अपन ले लेते हैं मान लो वो फोर्थ है, बिल्कुल, तो जैसे इस पे जीन ए है और ये वाला जीन बी हो गया, इनमें इंटरेक्शन नॉन एलिलिक, ये नॉन एलिलिक, और क्योंकि एलील के लिए प्राइमरी कंडीशन बनती है कि होमोलोगस भी होनी चाहिए और सेम लोकस पर, सेम लोकस पे होनी चाहिए, इसका मतलब अगर वही क्रोमोसोम है जी और लोकस अलग है तो सुनील जी ये वाला भी इंटरेक्शन फिर क्या हो जाएगा, नॉन एलिलिक हो गया क्योंकि लोकस बदल गया ना, लोकस बदल गया, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है एलिलिक इंटरेक्शन के जी। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस बिल्कुल नॉन एलिलिक का टाइप है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो रेशियो आता है 12:3:1 ये रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ी ठीक है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन 15:1 अपने को ऑब्टेन होता ही है। कोडोमिनेंस ये तो मोनोहाइब्रिड के रेस्पेक्ट में अपन देख रहा है, ये एलिलिक इंटरेक्शन कहलाता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7 लेथाइरस ओडोरेटस के केस में अपन ने देखा था, स्वीट पी के केस में, तो ये भी नॉन एलिलिक है, पहला दूसरा और चौथा नॉन एलिलिक, बिल्कुल
और ये ओड ओड वाला आप पूछा है, इसका मतलब ये एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल कोडोमिनेंस बन जाता है। क्यों? ब्लड ग्रुप वाला ए बी है ना, बिल्कुल आई ए और आई बी एक जीन के दो एलील, एक जीन के दो एलील, दोनों डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है, एलिलिक इंटरेक्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम करते हैं, 112 जी सर, इफ डोमिनेंट एलील ऑफ टू जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप वेदर इनहेरिटेड सेपरेटली और टुगेदर, है ना जी, दो अलग-अलग जीन है, लोकाई है, वो अलग अलग जा रहे हैं, ये एक साथ आ रहे हैं। ये जो शब्द आ गया ना टू जीन लोकाई, इसका मतलब लोकस बदल गई, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन की बात हो गई यहाँ पर, ये एक लोकाई है, एक लोकाई है, या हो सकता है एक क्रोमोसोम पे हो या अलग अलग पे भी हो सकता है, तो दे प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप वेदर इनहेरिटेड सेपरेटली और टुगेदर, ये अलग अलग है तब भी और साथ है तब भी, इसको क्या बोला गया, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये एक टाइप का डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है। बिल्कुल, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का जो केस बनेगा इसमें बच्चों 15:1 ये रेशियो अपने को ऑब्टेंड होएगा, तो अपने को पता है कि डाई हाइब्रिड के जितने भी अपन बात करते हैं उसमें ए डैश बी डैश, इसके बाद में ए डैश स्मॉल बी, इसके बाद स्मॉल ए बी और बी डैश, और लास्ट बनता है अपना स्मॉल ए स्मॉल बी, 9 ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे और 3 ऐसे। ये क्या कह रहे हैं कि produce the same phenotype whether inherited separately, अगर अलग अलग dominant जा रही है तो भी phenotype same ही आएगा, बिल्कुल, और एक साथ आ रही है तो भी phenotype same आएगा, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ना है अपने को, इन तीनों को जोड़ दिया तो same phenotype 15 बन गया, और इधर जो है वो वन इंडिविजुअल ये बन ही जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे phenotype, हाँ ये लास्ट में 3 नहीं, ये लास्ट में 1 आ जाएगा, क्यों 9331 ये अपना phenotype है। इसमें सुनिए जी कि जैसे कोई इसके ओरिजिन की बात करें कि कोई एक जीन ए था ना, तो उसी का क्या हुआ, इन व्यू एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, उससे उस जीन की एक कॉपी बन गई जी, अब यही सुनिए जी, इस जीन की जो कॉपी है हो सकता है या तो उसी क्रोमोसोम पे जुड़ जाए, बिल्कुल, किसी दूसरे लोकस पे, या हो सकता है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाए, लेकिन ये जो कॉपी है वो है तो इसी की ना, इसको मान लो बी बोल दिया, तो ये कॉपी इसी की है, हो सकता है उसी क्रोमोसोम पे, बिल्कुल, या दूसरे पे, दूसरे पे, तो फिनोटाइप तो एक ही देगी, सेम फिनोटाइप ही कहते हैं जी, बिल्कुल, तो वही है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और ऐसा 15:1 ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पहले रब करते हैं इसको फिर अगला निकालते हैं, द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, फिनोटाइपिक इफेक्ट बहुत सारे, एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट दर्शा रहा है, तो ये तो प्लियोट्रोपिक पैलोट्रोपिक, और प्लियोट्रोपी में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसकी अपन बात कर लेते हैं, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अगर बात करें बच्चों, तो उसके लिए कैपिटल बी जीन होती है, स्मॉल बी जीन कहलाती है, अगर दोनों कैपिटल साथ आते हैं, एक केस हेटरोजाइगस बनता है और एक केस ऐसा बनता है, इसका मतलब ये वाला जो सीड बनेगा, अगर मैं यतिन से शेप की अगर बात कर लूं, तो शेप के अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही दर्शाता है, ये डोमिनेंट है, कब क्या, तो शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये भी राउंड आएगा, बिल्कुल, ये भी राउंड आएगा, लेकिन ये रिंकल्ड आएगा, बिल्कुल, और अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात कर लूं, तो अफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसाइज इसके अंदर होगा, तो सबसे लार्जेस्ट साइज इसकी बनेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और ये जो है ये कैसा बन जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज का बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपना लार्ज, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट और ये हो जाएगा स्मॉल, यानी साइज के रेस्पेक्ट में अगर देखें जी, तो जो कैपिटल बी है कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, क्यों, बिल्कुल, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा फिर, क्यों, और अगर शेप की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो जाएगा, और साइज के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना रहा है ये जो शुगर जी पॉलीमर में चेंज कर रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसे में फिर ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वाटर का जो इनर मूवमेंट वो भी कम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिंपल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है तो ब्रांचिंग नहीं होगी, नहीं होगी तो वो शुगर फॉर्म में होंगे जी, तो वो पहले वाटर को अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, और फिर जब वो सीड ड्राई होगा जी, तो फिर उसमें व्रिंकल्ड हो जाता है, रिंकलिंग आ जाती है, और ऐसे सीड जो मटर वाले मीठे भी होते हैं, बिल्कुल ठीक, मीठे नहीं होते, कुछ मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, जो मीठे हैं वो इस टाइप के, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी में ही एक प्लियोट्रोपी में ही एग्जांपल अपन वो भी देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया वाला, क्योंकि एक ही जीन की एलील है जो मल्टीपल फिनोटाइपिक अफेक्ट, मतलब अगर नॉर्मल है तो व्यक्ति नॉर्मल कार्य करेगा, बिल्कुल, क्योंकि उस वाले केस में यदि सर अगर बता दें HbA ये तो नॉर्मल बन ही जाता है, नॉर्मल, और HbA HbS ये वाली जो फॉर्म है
ये हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस अफ्रीका वाला केस ये रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया के लिए और इवोल्यूशन से लेट कर ले तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में चेंजिंग ये कहलाएंगे और एक कौन सा बन जाता है एचबीएस एचबीएस ये लीथल कंडीशन ये डेथ हो जाती है तो ये दोनों ही एग्जांपल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम या सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपी के एग्जांपल बन जाते हैं पीकेयू भी ले सकते हैं आप फिनाइल केटोन्यूरिया वो भी इसका एग्जांपल है फिनाइल एलेनिन अगर टायरोसिन में नहीं चेंज बिल्कुल टायरोसिन की कमी से टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी इन्वॉल्व है ठीक बात है ऑक्सिन भी बनाता है जी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बनाता है बिल्कुल तो अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो गई तो वो कितने इफेक्ट पड़ गए बिल्कुल ठीक है जीन के कई इफेक्ट जी जी और इनका मेटाबॉलिज्म भी आपस में रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी वजह से काफी सारे इफेक्ट आ रहे हैं क्यों जी जी तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 5 चला जाए जी क्यों तो काफी इंफॉर्मेटिव था रख लेते हैं नेक्स्ट जी सर A polygenic trait is controlled by three genes. Okay, A, B, and C. In cross, ये वाला cross है सुना है? ठीक है. The phenotypic ratio of the offspring was observed as ये एक ratio है. जी जी. इसमें सुरेश जी phenotypic ratio के respect में बात की गई और ये polygenic. Polygenic inheritance. तो इसके अंदर जैसे अपन कहें कि phenotypic अगर ratio phenotype की बात करें केवल phenotype पूछा है तो 2n+1 वाला form वो केवल फिनोटाइप के लिए ठीक है और जीनोटाइप का नंबर तब फार्मूला बच्चे 3 पावर n लगा सकते हैं 3 की पावर n लगा सकते हैं यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है इसके लिए एक मेथड जो पास्कल ट्रायंगल मेथड है जी जी उससे बच्चे पता कर सकते हैं ठीक है ये जो पॉलीजेनिक है तो इसको जैसे नंबर ऑफ जीन बढ़ जाते हैं किसी कैरेक्टर के लिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो गया QTL QTL भी कह सकते हैं हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हो जाए बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए एक तरीका है कि जैसे 1:1 फिर इसी को 1:1:2:1 तो ये हो जाएगा 1:2:TL के लिए फिनोटाइपिक रेशियो जी है ना उसके बाद में 2:2:TL यानी दो जीन के लिए अगर तो 1:1:2:3:1:2:3:1 और फिर 1:1:3:4:4 दो जीन के लिए इस तरीके से और इसी तरीके से तीन के लिए पूछा जैसे ये वाला तीन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1:1:4:5:4:6:10:6:4:10:4:1:5:1 ठीक है क्यों बिल्कुल तो एक मिनट कुछ 1:1:4:5:4:6:10:10:6:4:10:4:1:5:1 तो ये इसका नेक्स्ट जो है क्योंकि अपने को तीन टू टेल के देखना है ना तो 1:1:5:6 हो गया 5:10:15:10:10:20 अगर दो पॉलीजेन से कंट्रोल तो ये और तीन से हो गया तो ये इस तरीके से बच्चे इसके अंदर जो से एक्स की वैल्यू नहीं है और डायरेक्टली आप इसको अप्रोच भी कर सकते हैं तीन जीन के लिए बताया तो मान के चले यहाँ पर स्किन कलर को लेकर जो है आपने लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए आपको रेशियो डायरेक्ट याद रखना है डायरेक्ट याद नहीं रख सकते 1:6:15:20:15:6 ठीक है अगर वो निकालना चाहते हैं हाँ और इसमें एक चीज और याद रख लेना आप ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है यहाँ पर ये बेल शेप का ग्राफ है तो जो मिनिमम होते हैं वो तो एक्सट्रीमिटी पे आ जाएंगे बिल्कुल 1:1 क्यों और उसके बाद 6 आ जाएगा 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा यानी सो इंटरमीडिएट जो होता है हां इंटरमीडिएट ज्यादा है मैक्सिमम बनेगा क्यों तो ये अपना 1:6 यहां पर 6 आना चाहिए 15:20:15:6 बिल्कुल तो जैसी संख्या बढ़ते हुए क्रम में वैसी संख्या बढ़ते हुए पॉलीजेनिक में इंटरमीडिएट ज्यादा है तो ये बेल शेप्ड जो है वो आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और इसमें बच्चे जैसे अपन ने फिनोटाइप के लिए ये हो गया जीनोटाइप के लिए एक फार्मूला जो था 3 की पावर n ये हो गया और फिनोटाइपिक रेशियो अगर पूछे तो ये हो गया और एक जीनोटाइपिक रेशियो भी अगर पूछ ले जी जी तो 1:2:TL के लिए बच्चे ऐसे ये बता सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो जी जी और 2:2:TL के लिए 1:1
एंड वन टू वन या इसकी पावर टू भी कर सकते हैं, तीन टू टेन की इसकी पावर तीन थ्री हो जाएगा जी। क्या जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। Which of the following genotype of sweet pea plant is related with the production of purple color flower? ये एग्जांपल देखते ही सब पता लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की ये बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? इसमें किसी फेनोटाइप की दो जीन की नीड है, दोनों डोमिनेंट अगर आएगी तो एक फेनोटाइप दर्शाएंगी, अन्यथा अगर डोमिनेंट अकेली आए या रिसेसिव फॉर्म आए वो सारी की सारी एक ही फेनोटाइप को रिप्रेजेंट कर जाएंगी। तो कहने का मतलब ये वाला जो क्रॉस करवाया जाता है तो सी सी स्मॉल पी ये पेरेंट है और दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी। मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर गैमेट की बात करें कैपिटल सी स्मॉल पी आ जाएगा, यहाँ से गैमेट की बात करें स्मॉल सी कैपिटल पी आ जाएगा। और ये जो प्रोजेनी बनेगी यहाँ पर कैसी बन जाती है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यही वाला क्रॉस ये बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप ऑफ स्वीट पी प्लांट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर फ्लावर। पर्पल कलर ये वाला होना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि अपन डाई हाइब्रिड की बात करें यतिंद्र सर, तो मैं जैसे ए डैश बी डैश की बात कर रहा था वैसे ही एप्लीकेबल ये भी हो जाएगा। अगर कंडीशन दोनों डोमिनेंट एक साथ आती हैं पी डैश तो ये क्या बनते हैं, यानी कम से कम एक एक कॉपी डोमिनेंट होनी चाहिए, एक एक कॉपी डोमिनेंट होनी चाहिए। और दूसरा वाला तीन और तीन ये दोनों क्या बनते हैं, सी डैश स्मॉल पी और बन जाएगा स्मॉल सी कैपिटल पी और डैश और एक बन जाएगा अपना स्मॉल सी स्मॉल पी। इसका मतलब दोनों डोमिनेंट अलग अलग है या दोनों रिसेसिव एक साथ है, इन सबका मिलकर तो एक फिनोटाइप आएगा और दोनों डोमिनेंट एक साथ आने पर पर्पल कलर आ जाएगा। क्यों? तो 9:2 कितना रेशियो बन जाता है, 7 बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंफेक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंफेक्शन हो गया। और एग्जांपल इसका लेथेरस ओडोरेटस आपको याद रख लेना, स्वीट पी जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की भी अगर बात कर ले सुनील जी, हां जी, जैसे कोई रॉ सब्सटेंस है ना, बिल्कुल, और उस सब्सट्रेट को कोई एंजाइम जी, हां जैसे जीन सी है सुनील जी जी, इसने कोई एंजाइम ई1 कोड किया, ठीक है, तो इस एंजाइम ई1 ने इसको जो है सब्सट्रेट में बदल दिया, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट 2 में चेंज कर दिया, ठीक है, हालांकि अब ये वाइट ही जी। अब इससे पर्पल कलर अगर प्रोड्यूस करना है, बिल्कुल, तो जीन पी आएगा, कोई एंजाइम कोड E2 आएगा, और वो एंजाइम इस सब्सट्रेट को यूज करके ये पर्पल कलर आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि कम से कम दोनों डोमिनेंट आ रहे हैं, एक भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने को पता है ये जो 9 केस बनते हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, वो आपने बताई दिया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये अपना ऑप्शन नंबर 1 बन ही जाएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 116। हां, यहां पे अपने को ऑड वन देखना है ना, और पॉलीजेनिक के लिए अभी अभी अपन ने बात की, ठीक है, तो इसी के आसपास की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बेल शेप्ड कर्व होगा ही क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा होता है, बिल्कुल, और ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, हां, क्योंकि पॉलीजेनिक है, बिल्कुल, डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो फिनोटाइप में उसी का प्रभाव, हां, मोनोजेनिक क्वालिटी क्वालिटेटिव, वो क्वालिटेटिव कह रहा है, ठीक है, आपने रिसेसिव एलील, सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट 9 डोमिनेंट होना चाहिए ना यहाँ पर रिसेसिव की जगह, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग फिनोटाइप भी जो है वो ज्यादा इंटेंस टाइप का, जैसे स्किन कलर के लिए सुने थे 3 जीन है ना, जैसे ये 10 ग्राम प्रोटीन बना रहा है, ये 10 ग्राम मेलानिन बना रहा है, और ये 10 ग्राम, तो इनका एडिटिव इफेक्ट है डोमिनेंट फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है, डार्क स्किन कलर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है, एडिटिव इफेक्ट फिर इनका तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, या बहुत कम, लेकिन मेनली इन्हीं का एडिटिव इफेक्ट है, डोमिनेंट एलील की रेस्पेक्ट में ही इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है, इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा होते हैं, वो मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, ये आपको बताया था बेल शेप कर्व में, ये वाले जो बनेंगे ये क्या बनेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में यही बनते हैं। तो इसके लिए जो है ओड वन कौन सा हो जाएगा, ओड वन रिसेसिव की जगह डोमिनेंट आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये देखो, ए जीन व्हिच हाइड द एक्शन ऑफ अनदर जीन इज टर्मड, एक जीन है जो दूसरे की एक्शन को हाइड कर रही है, तो वो जीन पहले वाली जो हाइड कर रही है वो तो एपिस्टेटिक है, लेकिन दूसरी वाली जो हाइड हो रही है वो हाइपोस्टेटिक जीन बन जाएगी। क्यों? जैसे ये दिन से ने बता दिया, ए जीन है, ये बी जीन है, ए हाइड कर रही है इसको, नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर दे रही है, इसका मतलब ए तो कैसी बन गई, एपिस्टेटिक जीन, और बी जो हाइड हो रही है वो कैसी बन जाएगी, हाइपोस्टेटिक जीन बन जाएगी, बिल्कुल, क्यों? और ये जीन जो है ए, ये डोमिनेंट अगर होगी तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस आ जाएगा, और अगर रिसेसिव होगी तो रिसेसिव एपिस्टेसिस, यानी अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में करिए तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बिल्कुल ठीक है, अगर ये रिसेसिव फॉर्म में इसको रोक रही है तब उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस कह देंगे। तो
हाइड द एक्शन ऑफ अनदर, तो ये खुद जीन क्या कहला रही है, एपिस्टेटिक जीन। और ये पूछ रहा था ए जीन व्हिच हाइड द एक्शन ऑफ अनदर जीन बी, द बी जीन विल बी, तो बी जीन कैसी हो जाती है, हाइपोस्टेटिक जीन बन जाती है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बच्चों को जान सकते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 119 कॉम्प्लीमेंट्री जीन और डोमेस्टेटेड बाय बैट्सन एंड पेनेटाना, किसके अंदर, अभी भी बात की थी, अभी क्रॉस करके भी आपको बताया था वो पर्पल कलर वाला 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, इन टोमेटो जीनोटाइप रिसेसिव टाइप दे रखे हैं, 100 ग्राम टोमेटो आर प्रोड्यूस, और उधर सारे डोमिनेंट दे रखे हैं, 160 टोमेटो प्रोड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द वेट ऑफ टोमेटो इन द पेरेंट्स प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस, एक क्रॉस बता रखा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस क्रॉस के रिजल्टेंट जो प्रोजेनी बनेंगी उनमें वेट कितना होगा और इन दोनों पेरेंट का वेट कितना होगा, तो ये अपना जो है ये अपने को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसमें तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना है, और कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें यतिंद्र सर, तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल डोमिनेंट एलील कितने हैं, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन अपना सारी डोमिनेंट हो रही है तब आ रहा है कितना 160, मिनिमम एक्सप्रेशन यतिंद्र सर रिसेसिव के केस में आ रहा है 100 आ रहा है, और टोटल डोमिनेंट टोटल 6 है, तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 60/6 आ गया। इसका मतलब ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन कितना बन गया, 10 ग्राम बन जाता है जी सर, ठीक है भाई। अब आपको ये याद रखना है ईच डोमिनेंट का 10 ग्राम है। अब मैं ये क्रॉस लिख रहा हूं और इस क्रॉस के बाद जो है उनकी प्रोजेनी अपन बनाने की, तो इसको रब कर देते हैं। हां जी हां, इसको रब कर देते हैं, तो वन डोमिनेंट जी ये आ गया जिनमें से 10 ग्राम जी ये लिख दिया आपने, उधर लिख दिया आपने, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं इस क्रॉस की, ए ए बी बी स्मॉल सी का क्रॉस है, ए ए कैपिटल बी स्मॉल सी यहां 2 गेमेट, यहां से 2 गेमेट बन जाएंगे, कौन कौन से, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और दूसरा गेमेट बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहां से एक ही गेमेट बनेगा जी, ए बी और स्मॉल सी, क्या करना है वही पुनेट स्क्वायर से पूछा कर लो जी, ये क्या आ रहा है ए ए स्मॉल ए बी बी स्मॉल सी, और ये आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी जी। इसका मतलब यतिंद्र सर अपने पास एक केस तो बन गया ये वाला पेरेंट, दूसरा ये दूसरा बन गया ये वाला पेरेंट, ये तो है पी वन और ये है अपना पी टू, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक प्रोजेनी तो बन गई PRO प्रोजेनी 1 जी, और ये बन गई PRO 2 क्यों, तो अपने को क्या करना है, एक डोमिनेंट का 10 ग्राम आ रहा था, मिनिमम तो लेना ही लेना है, इसमें मिनिमम एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा, यानी ऐसे कर सकते हैं बच्चे कि मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन इनटू मिनिमम एक्सप्रेशन। तो यहां पर क्या आ गया, ये वाला केस अगर मैं P1 के लिए वेट निकालना चाह रहा हूँ, तो P1 के लिए मेरा वेट आ जाएगा, मिनिमम एक्सप्रेशन तो आना ही आना है, जो कितना है 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम तो लेना ही लेना है, प्लस डोमिनेंट कितनी है एक, और एक डोमिनेंट के कारण 10 ग्राम आ रहा था, तो 1 × 10 × 10 तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 110 ग्राम तो मेरा आ गया P1 के लिए। और सबसे पहले 110 ग्राम किसमें दिया हुआ, एक ही ऑप्शन ऐसा है, इसका मतलब आपने तो इसी को ही आगे यहाँ पर यदि जैसे P2 के लिए निकाले जी, तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा 100 प्लस डोमिनेंट 2 है और ईच डोमिनेंट का 10 है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा जी। ये देखो ये फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। अब यदि जैसे इसका निकाल देते हैं, जैसे इसमें भी 120 ही हो गया, दो डोमिनेंट है और यहाँ पर एक डोमिनेंट है, तो इस पेरेंट की तरह आ ही जाएगा एक डोमिनेंट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसमें। हाँ मतलब कि सुनील जी कि अगर ये फॉर्म है और ये फॉर्म जी, तो ये इसमें 6 के 6 डोमिनेंट है बिल्कुल, और इसमें 6 के 6 रिसेसिव है, और ये जो है वो 100 दे रहे हैं, यानी इनमें भी कम से कम क्षमता है जी बिल्कुल 100 की बिल्कुल, और उस 100 के अलावा ईच कितना एक्स्ट्रा दे सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, तो मिनिमम एक्सप्रेशन तो लेना ही लेना है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसीलिए आपने यहां पे 100 लिख दिया क्यों। हां मिनिमम एक्सप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा जी, क्यों जी वो करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनहेरिटेंस टेक प्लेस ओनली बाय मेल, इसका मतलब है वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम वो होलेंड्रिक, होलेंड्रिक हो गया मेल टू मेल, जैसे हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस क्यों, जैसे ईयर पिन्ना के ऊपर हेयर्स की एक्सेसिव हेयर्स की ग्रोथ पाया जाना, ये होलेंड्रिक इनहेरिटेंस बन गया। एग्जांपल लिख देते हैं हाइपरट्राइकोसिस इन द सेल, हाइपरट्राइकोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। 1-2-1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री डॉटर टू ए कपल इन थ्री चिल्ड्रन, तीन बच्चों में तीन डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एट ए टाइम एक इवेंट, जैसे ये ए बी ये दो पेरेंट हो गए, अब इनके एक लड़की हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/2 एक लड़का हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है जी। अब तीन बच्चे हैं इसका मतलब तीन बार ये क्रॉसिंग होगी, तीन बार क्रॉसिंग होगी तो एक बार क्रॉसिंग में 1/2 आ रहा है, तो अगली बार जब क्रॉसिंग होगी प्रोजेनी या प्रेगनेंसी चलेगी तो 1/2 होगा, और थर्ड जो प्रेगनेंसी होगी उसमें भी चांस 1/2 बनेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जी। जी सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन इफ करेक्टर कंट्रोल्ड बाय आपको बता दिया पहले भी काफी आ गया इक्वेशन जी। व्हेन टू डोमिनेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन रिएक्ट विद ईच अदर producing affect jointly, अभी आपको बताया था कि कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी अगर दोनों डोमिनेंट एक साथ आती हैं और एक साथ अफेक्ट दर्शाती हैं, इंडिविजुअल आएंगी तब अफेक्ट नहीं दर्शाएंगी, एक साथ आने पर अफेक्ट दर्शाएंगी, ये क्या कह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहलाता है क्यों जी, जी। और एग्जाम्पल इसका लथाइरस ओडोरेटस जो अपना बना था स्वीट पी वो एग्जाम्पल बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1-4 After crossing two plant, the progeny are found to be male sterile. Okay, male sterile मतलब cytoplasmic male sterility. Mitochondria. अपन ने हाँ पहले discuss किया. ठीक है. तो this phenomena is found to be maternal inherited. तो वही है इसका मतलब ना. बिल्कुल. तो पूछा है कि ये gene कहाँ हो सकते हैं? तो mitochondria इसमें answer चला गया. बिल्कुल. Male sterility की जो gene है वो कहाँ पाई जाती है? Mitochondria के अंदर present होती है. क्यों? Next question. Which of the following is an example of pleiotropy? पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम और सिकल सेल एनीमिया दोनों एग्जांपल जीन मल्टीपल इफेक्ट एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट यहां पे कुछ जेनेटिक फिनोमेना सुने थे और उनको उनके पर्टिकुलर रेशियो से अपने को जो है वो मैच करना है जो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन है इसको बच्चे सीधा याद रख सकते हैं। हां ये रेशियो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बहुत बार आ गया अपने पास में और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ये अंदर से डायरेक्ट 5 बन जाता है और बी बी का 5 केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी का 5 एक ही ऑप्शन ऐसा है बाकी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और इस तरीके से बच्चे डायरेक्ट इनको याद और इसमें और भी इजी दे दिया डायबिटिस क्रॉस रेशियो दे रखा है इसका मतलब डी का कितना आ जाएगा 2 डी का 2 लेकिन डी का 2 दो जगह आ रहा है इसलिए आपको बाकी के भी याद रखने पड़ेंगे क्यों डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो उसके रेस्पेक्ट में से 12:3:1 और ऐसे ही इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन की बात करें तो 13:3 बन ही जाएगा अपना क्यों बाकी ये है कि नेट में इतना डिटेल में इनके मतलब इनकी कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में नहीं पूछ बिल्कुल अगर ये रेशियो भी याद रखे तो ये रेशियो आप याद रख लेना और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है और थोड़ा बहुत अगर डिटेल में जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो वाले कॉम्प्लीमेंट्री वाला ठीक है क्योंकि वो बैट्सन और नेट वो मटर का पौधा आ गया तो नो डाउट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके लिए अपने बच्चों को एंजाइम वाला कांसेप्ट बताया हां एंजाइम का कांसेप्ट बता दिया और उसके अलावा थोड़ा सा डेफिनेशन भी डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें 1-7 What is the probability of one girl and three boy in a family out of 4 children? एक at a time दो probability है ना? हाँ दो event sorry दो event बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर probability का formula बच्चों को लगाना पड़ेगा बिल्कुल और probability का formula होगा n factorial बिल्कुल upon x1 factorial multiply x2 factorial p की power x1 और q की power x2 ठीक है बच्चों यहाँ पर ये चीज आप जरूर देख लेना एन तो है टोटल टोटल बच्चे कितने हैं ठीक है
एक्स वन है वो है, या इसको वैल्यू मान सकते हो अपन, मतलब कि जो फर्स्ट जो दी है उसकी वैल्यू क्या, बिल्कुल जो सबसे पहले दी है बिल्कुल, और ये जो है इसको मान लो आप गर्ल क्यों जी। इसकी अगर बात करें p का मतलब x1 है पावर में, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी p हमेशा कितनी आती है 1/2 आएगी, और q लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ये 1/2 आएगी, क्यों यतेंद्र सर? तो इसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को पुट आप करना है। चार बच्चे बोला है यतेंद्र सर, तो चार का फैक्टोरियल होता है उसको घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 × 2 × 1 बिल्कुल क्यों। और उसके बाद लड़के पूछा है तो लड़का तीन है, तीन है इसका मतलब 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा, और उसके बाद गर्ल पूछी है तो 1 गर्ल हो जाएगी × 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी एक्स वन को मैंने लड़का लिया था याद रखना, इसका मतलब 1/2 की पावर 3 और एक्स वन लड़का तो ये 3 हो जाएगा, और 1/2 की पावर लड़की होने की 1 हो जाएगा। तो सिंपली अगर देखें ये जो है ये 3 to 1 ये कैंसिल हो गया, ये 2 जो है इसको मैं सिंपली और लिख देता हूँ, ये जैसे सर यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं तो 4 × 1/2 को कितनी बार, 3 बार तो एक लिखना है जी, और 1 बार 1 लिखना है क्यों जी। तो ये अपना क्या बन गया, 2 इससे गया 2 टाइम्स 2 इससे चला गया, तो बच गया क्या 1/2 × 1/2 कितना गया 1/4 या 8 में से 2 या 8 में से 2 या 16 में से 4 हो जाएंगे कैसे भी बच्चे। बिल्कुल, तो मैं तो ये है ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है ना ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यानी एन के रेस्पेक्ट में कि टोटल जो बच्चे हैं वो आ गया बिल्कुल, और एक्स वन फर्स्ट जो केस है उसका नंबर है बिल्कुल आंसर रखना फर्स्ट लाइन, और एक्स टू सेकेंड केस का है बिल्कुल, और पी फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है ना बिल्कुल, और क्यू सेकंड केस की। तो यहाँ पर एक्स वन अपन ने जो है वो बॉय को मान लिया है, इसको गर्ल मान लेते हैं तो कोई कोई फर्क नहीं है क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी 1 to 8, और इसमें सुनील जी कि ये पूछ रहे कि पहला लड़का है तो दूसरी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी वो तो 1/2 50% होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा था सर। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक ये हो गया कि जो अपने स्टार्टिंग में बताया बिल्कुल बिल्कुल, तीन लड़की होने की है, तीन लड़की होने की, तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। चलो 1 to 8 ए प्लांट व्हिच हैव जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप है यानी दो जीन है सुनील जी, और इसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन 56 है ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये और मिनिमम एक्सप्रेशन ये है, ये है, और फिर अपने को ये जो प्लांट है इसकी हाइट का पता लगाना है ठीक है, तो ईच डोमिनेंट का आ जाएगा तो क्वाड वो अपन मैक्सिमम माइनस मिनिमम देखिए, तो 56 बटे डोमिनेंट कितनी है 4 तो 30/4 आ जाएगा जी, और 30/4 होता है 7.5 जी, तो एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 7.5 अब यहां पे सुनिए जी 3 डोमिनेंट है बिल्कुल, मिनिमम मिनिमम हो गया अपना 26 प्लस 3 × 7.5 ये 22.5 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, तो 26 + 22.5 कितना जाएगा 48.5 बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पहले ही हमने बता दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल एलील 15 टाइप ऑफ जीनोटाइप आर प्रोड्यूस्ड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलील विल बी, यानी एलील पूछ लिया बिल्कुल, एलील पूछ लिया अन्यथा तो एलील देता था और जीनोटाइप n × n+1/2 क्यों, यही वाला जो फॉर्मूला n+1/2 n की वैल्यू क्या रखेंगे अपने पास 15 टाइप के जीनोटाइप, तो ये इसको आप इस प्रकार चेक करके कर सकते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1 तो 3 × 2 = 6 6/2 तो 3 आएगा, 3 ही आएगा तो मतलब ही नहीं है यहाँ तो 15 है तो 3 रखें क्योंकि 3 रखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन ये तो ज्यादा है तो इसको 5 रख के देखो 5 × 5 + 1/2 तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 30 30/2 = 15 15 इसका मतलब 5 हो जाएगा बिल्कुल। इस क्वेश्चन को जो है उल्टा पूछ लिया है, तो अन्यथा ये हमेशा ये देता था कि एलील का नंबर ये है बताइए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बने क्यों जी। नेक्स्ट इन डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 रेशियो 15:1 अभी पहले भी बता दिया था आपको डुप्लीकेट जीन रेशियो आएगा और ये 15:1 आता है यानी इस वन में ऐसा होगा वो एकला अकेला वाला हाँ बिल्कुल ये और बाकी के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे दोनों डोमिनेंट साथ आ जाए पहले के डोमिनेंट दूसरे के रिसेसिव आ जाए पहले के रिसेसिव दूसरे के डोमिनेंट आ जाए ये तीनों ही केस 9+3+3 ये तीनों ही कैसे एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जी जी
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अभी अभी बात भी की थी अपन ने, तो उसके रेस्पेक्ट में ये एक एग्जांपल बच्चे और याद रख सकते हैं, किलर स्ट्रेन पैरामीशियम पैरामीशियम का, और इसमें जो सेंसिटिव स्ट्रेन होता है उसकी डेथ हो जाती है बिल्कुल कॉलोनी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कुकुरबिटा पीपो डब्ल्यू जीन इज एपिस्टेटिक ओवर वाई एंड स्मॉल वाई, दोनों के ऊपर है, इसका मतलब ये डब्ल्यू जो है ना डब्ल्यू डैश y डैश अगर ये फॉर्म आएगी तो भी ये एपिस्टेटिक है, या फिर w डैश स्मॉल y ये वाला केस आएगा तो भी एपिस्टेटिक है। क्यों इतने सर? इसका मतलब है ऐसे तो 9 बनते हैं और ऐसे जो है वो 3 प्लांट बनते हैं, तो एपिस्टेटिक इफेक्ट इनका मिलाकर आ जाएगा, फिर तो 12 का एक फेनोटाइप आ जाएगा, फिर और 12 का एक फेनोटाइप आ जाएगा, 3 येलो हो जाएंगे 1 ग्रीन हो जाएगा, साफ ही पता लग रहा है ये कौन सा है, डोमिनेंट जो है ना वो बाकी दोनों एलील को क्या कर रही है, एपिस्टेटिक हो रही है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और उसका रेशियो 12:3:1 ये आपको याद है, ये कैपिटल फॉर्म है सुनील जी, हां जी, इसको भी रोक रहा है, इसको भी रोक रहा है, और ये स्मॉल रिसेसिव फॉर्म को भी रोक रहा है, और ये केवल इसको रोक रहा है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, वाइट आ जाएगा इसकी वजह से, और अगर मान लो ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है येलो आ जाएगा, बिल्कुल, और अगर सारे ही रिसेसिव है तब ग्रीन आ जाएगा, तब ग्रीन आ जाएगा जी। तो दो केस मैंने बताई दिए, 9:3:3:1 ये रेशियो आता है, और इसमें जो जो वेरिएशन देखे जाते हैं वो आपको बताई दिया, तीसरा जो वेरिएशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई कैपिटल वो वाई डैश आ जाता है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल वाई भी आ सकता है स्मॉल वाई भी आ सकता है, ठीक है, तो इस वाले केस में जो है वो ये कैसा बन जाएगा, फिर येलो बन जाएगा, क्यों? तो 3 येलो बन जाएंगे, और यतिन सर ने जैसा बताया चारों ही रिसेसिव फॉर्म आ जाएगी, तो ये कैसा बन जाता है, ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहां पे ये मेंडेलियन एक्सेप्शन ही कह सकते हैं, जिसमें मेंडल का जो रेशियो था डाई हाइब्रिड एफ2 का वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। नेक्स्ट, बनेंगे तो 16 नहीं, डाई हाइब्रिड है तो बनेंगे 16, लेकिन वो 16 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड, हाँ, कुछ एक आधे एग्जांपल है, जैसे वो आपका कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का एग्जैक्ट वही रेशियो आएगा जो मेंडल का आ रहा था डाइहाइब्रिड का 9:3:3:1, नॉन एलीलिक जीन हैविंग सिमिलर फेनोटाइपिक इफेक्ट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट एंड रेशियो 9:7 इन F2। अब ये कह रहे हैं अगर दोनों डोमिनेंट नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्ट करेंगी तो एक डिफरेंट रेट आएगा, अन्यथा डिफरेंट रेट नहीं आएगा, इसका मतलब 9:7 रेशियो, बहुत बार बात कर लिया अपने, कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन लेता है रस और लेटस स्वीट बी वाला। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, और ये पॉलीजेनिक का है, बच्चे कर सकते हैं, 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ई बी और सी, और जितने डोमिनेंट कॉपी होगी स्किन का कलर उतना ही डार्क डार्क होता जाएगा, क्यों, इसका रेशियो भी आएगा उसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना इन विच एन एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन, इसका मतलब ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस फिनोमेना कहलाता है, ठीक है, बहुत बार बात कर ली डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अपीयरेंस ऑफ वॉलनट कॉम्ब इन पोल्ट्री ऑन अ क्रॉस बिटवीन प्योर पी कॉम्ब एंड रोज कॉम्ब है ना, और ये किसकी वजह से, तो अभी अभी अपन ने बात की कोलैबोरेटिव जीन हो रहे हैं इसमें सुनील जी, जो पी जीन है वो पी कॉम्ब बना रहा है मुर्गे में, बिल्कुल, और आर वाला रोज बना रहा है, कॉम्ब बना रहा है, ठीक है, और पी एंड आर, पी और आर अगर एक साथ सुनील जी आ जाए तो वॉलनट बन जाएगा, तो वॉलनट बन जाएगा, और अगर रिसेसिव आ जाए तो सिंगल बन जाएगा, हाँ, और अगर चार भी रिसेसिव हो गए तो ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल पी वाला, क्यों जी, तो ये इंटरेक्शन कैसा 9:3:3:1 ये रेशियो आएगा 9:3, एक मिनट, दोनों साथ आएंगे तो 9 आएगा जी जी, और ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 1 आएगा जी, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाता है, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, When 9:3:3:1 ratio of dihybrid cross is replaced by, अपने क्या बोला, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन के जितने भी रेशियो आ रहे हैं वो डेविएशन है किसका, dihybrid test cross के फिनोटाइप का, तो dihybrid cross की जगह ये 9:3:4 रेशियो आ जाता है, और ये रेशियो किसका कहलाता है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का भी यही रेशियो है, और रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी, बिल्कुल इन दोनों का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का तो अपने को पता है 9:7 रेशियो बनता है, तो आंसर अपना 4 चला जाएगा, क्यों बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 138 की बात करते हैं, ए प्लांट विद जीनोटाइप
रिसेसिव दे रखा है तो सर 3 ग्राम हो जाएगा। अनदर प्लांट विद जीनोटाइप, लेकिन याद रखना इसमें 5 ही डोमिनेंट दे रखी हैं और इसका वेट जो है वो 5.5 ग्राम बता रखा है। इफ प्लांट विद फ्रूट वेट ऑफ 3 ग्राम, 3 ग्राम का मतलब एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है उसका क्रॉस करवाया गया है होमोजाइगस प्लांट हैविंग फ्रूट वेट 6 ग्राम, 6 ग्राम के साथ करवाया गया है। अब अपने को पहले तो ईच डोमिनेंट का निकालना है, उसके बाद ये जो क्रॉसिंग हो रही है ना 3 ग्राम की होमोजाइगस के साथ में इसका जो F1 बनेगा उसका वेट निकालना है जी। तो दिया गया एक तो ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना आ रहा है इसके अनुसार मैक्सिमम एक्सप्रेशन 5.5 आ रहा है। तो ईच डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5.5 माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन जितना सर 3 ग्राम हो जाएगा जी। और ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन जो अपन ने लिया है ये 5 के लिए लिया है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ईच डोमिनेंट का इफेक्ट कितना आ गया 0.5 जी। क्यों? और अब ये क्रॉसिंग अपने को क्या करवा रहा है, ये क्रॉसिंग करवा रहा है ये दिन सर जिसका 6 ग्राम है, इसका मतलब है 5 डोमिनेंट थी तो 5.5 आया था, 6 डोमिनेंट होते ही 6 ग्राम वेट हो जाएगा, तो वो 6 ग्राम इन्होंने दिया भी है यहाँ पर। तो उसके लिए अपन क्या कर लें ए ए बी बी सी सी का क्रॉस ए ए बी बी और स्मॉल सी स्मॉल सी जी। F1 जो बनेगा ये दिन सर वो हेटेरोजाइगस बन जाएगा तीनों के बी बी और सी सी जी। तो मिनिमम तो लेना ही लेना है अपने को, मिनिमम अपने पास आ गया, मिनिमम कितना है 3 ग्राम, 3 ग्राम तो लेना ही लेना है जी। प्लस डोमिनेंट 1, 2, 3 डोमिनेंट है तो 3 × 0.5 ईच डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन ये, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 ग्राम आएगा। बिल्कुल वही जो शुरुआत वाला फॉर्मूला, बिल्कुल। तो ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट चला जाए ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर हेक्साप्लॉइड वीट, हालांकि म्यूटेशन का है आगे का आ गया थोड़ा, फिर भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मोनोजोमी कंडीशन है इसका मतलब है कि -1 हो जाएगी, जैसे हैप्लॉइड के लिए n है और मोनोजोमिक में सीरीज 2 n - 1 होता है, तो यहाँ पे अपने को देख रहे हैं कि आधे उसके डबल ये तो होगा नहीं, क्योंकि आधा अगर 28 है तो ये तो 56 होता, 21 और 41 ये वेट रहा है कि अगर हैप्लॉइड 21 है तो डिप्लॉइड होगा 42, लेकिन ये 2 n - 1 है यानी 42 की जगह 41 हो गया, 41 हो गया। और नलीजोमी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें 2 n - 2 42 माइनस तो ये आपका 40 हो गया, और ट्राइजोमिक के अंदर 2 n + 1 हो जाएगा यानी 42 + 1, बिल्कुल। इसलिए औरों में भी ये वेट नहीं रहा। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो कि उन्होंने हेक्साप्लॉइड वेट का दिया नहीं है, वैसे तो हेक्साप्लॉइड वेट आपको याद रखना है भैया, डिप्लॉइड कंडीशन हेक्साप्लॉइड की जो है वो 42 होती है, क्यों? और यहाँ पर अगर बात करें, अगर मोनोप्लॉइड की बात करें 14 होता है, डिप्लॉइड की बात करें 28 होता है वेट के केस में, और ये सॉरी डिप्लॉइड की अगर बात करते हैं तो 14 होता है, टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं तो 28 हो जाता है, हेक्साप्लॉइड की बात करते हैं तो ये 42 हो जाता है। तो अगर वो भी आपको याद नहीं है तो फिर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, हैप्लॉइड में आप इनको लेकर देख लें कि ये 2 n - 1, लेकिन इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा 2 n - 1 मोनोसोमी होता है, नलिसोमी 2 n - 2 होता है, फिर भी आगे म्यूटेशन पढ़ाई तो क्लियर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वाल्टर सुटन एंड बोवेरी आर फ्रॉम फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन इन क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी, बिल्कुल बिल्कुल जी। वही जीन साइटोप्लाज्मिक में स्टेरिलिटी वाला साइटोप्लाज्मिक रिपीट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय सुटन एंड बोवेरी, अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था हमने, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, बिल्कुल। जैसे जीन में अपन डिप्लोइड केस देखते हैं उनका सेग्रीगेशन देखते हैं, वैसा ही जो है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम में भी देखा जाता है, क्योंकि जो जीन है वो क्रोमोसोम पे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले क्रोमोसोम जाएगा तो उसके साथ जीन भी जाएगा, जीन भी जाएगा। क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर इन डिप्लोइड एंड हैप्लोइड सेल रेस्पेक्टिवली, नहीं नहीं ना दोनों में डिप्लोइड होगा, दोनों में डिप्लोइड, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी कहा है कि दोनों का बिहेवियर कैसा होगा सिमिलर कहलाएगा, तो ये वाला जो है ये ओड वन हो जाएगा, आंसर ये चला जाएगा। पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर जीन की बात कर रहे हैं इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, गैमेट बना था सुनील जी, बिल्कुल। एक गैमेट में ये क्रोमोसोम गया था जी और दूसरे में ये गया था, ये गया और ये गैमेट फर्टिलाइज हुए तो वापस कंडीशन वही बन जाती, क्यों?
तो करेक्ट ओड वन इसमें पूछा है तो थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच अगर होता तो ये क्रॉसिंग ओवर कहला जाता। क्यों? अगर होमोलोगस के बीच होता और नॉन होमोलोगस के बीच है तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्यों? यानी जैसे ये क्रोमोजोम 9 है इसका कोई जीन चला गया। क्यों? हां बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पे दो एलील हैं जी A1 और A2 आउट ऑफ व्हिच one A1 has nil abundance in population then abundance of second allele कोई population है और A1 और A2 allele की बात की थी और इसके अंदर A1 के लिए कहा गया कि ये nil है nil उस population में और उस population के अंदर total allele जो उनका total one होता है क्योंकि हार्डी रिंगबर्ग से अप्रोच करें इसको वही अप्रोच b plus q बराबर one one। अब ये सपोज करो a इसको कह रहा है हाँ तो इसको तो हटा दो तो फिर q कितना बच गया a की बच गया q बना जाएगा ना सीधे अरे ठीक है कुछ नहीं है बस लैंग्वेज पढ़ना है आंसर जाना है ये जरूरी स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से है हार्डी रिंगबर्ग से बना है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी वही हार्डी रिंगबर्ग लो की बात होती है और हार्डी रिंगबर्ग लो क्या बोलते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है वो क्या रहती है हमेशा एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है कांस्टेंट रहता है हां उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन की बात करते हैं जो नेचर में तो पॉसिबल नहीं है ऐसी पॉसिबल है क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं कि ना तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है ना उससे इमाइग्रेशन हुआ है ना उसमें इमाइग्रेशन हुआ है तो ऐसी तो कोई पॉपुलेशन भैया पॉसिबल अगर तो वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन कह सकते हैं लेकिन ऐसी पॉसिबल है बिल्कुल तो इवॉल्व ना तो हार्डी रिंगबर्ग जो बात करते हैं वो एक हाइपोथेटिकल बात है। क्यों? इसमें क्रॉस लगा दिया अगर प्लस होता तो ये भी बिल्कुल प्लस होता तो फिर ये वाला है इक्वेशन भी सही चली जाती है क्योंकि हार्डी रिंगबर्ग में एक इक्वेशन तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ये काम में आती है और एक p प्लस q बराबर 1 ये आती है ये एलील के लिए और ये उसके जीनोटाइप के लिए ये उसके जीनोटाइप के लिए या जो स्क्वायर बन जाएंगे या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अगर दे दें एलील फ्रीक्वेंसी दे पी प्लस क्यू काम में लेना है और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मतलब है कोई भी एनिमल है उसके जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में वो बात करें जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की है ये डोमिनेंट के लिए रिसेसिव के लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में सुनिए जी 28,800 उसके अंदर इंडिविजुअल का परसेंट है और फिर पूछा परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल 49 है ना यानी पी स्क्वायर सुनिए जी कितना लिए 49 में से अगर p की वैल्यू 0.7 है तो q की वैल्यू 0.3 और हेटेरोजाइगस तो pq है। क्यों? बिल्कुल ये जो हेटेरोजाइगस ने q की वैल्यू निकाली है ना ये p plus q बराबर 1 करके आप निकाल सकते हैं वहां से 1 माइनस 0.7 हो गया 0.3 आ जैसे आप बच्चों को बता दीजिए तो p plus q बराबर कितना 1 होता है 1 तो p की वैल्यू अपनी आ गई 0.7 तो q आ जाएगा 1 माइनस 0.7 अब जो कितना हो गया 0.3। अब अपने से पूछा क्या है 2pq पूछ लिया एकदम से सच्चे जी तो 2 into p अपना पहले ही आ गया था 0.7 और यहां ये 0.3 और आ गया तो साथ ही 21 दोनों 42 आ जाएगा लेकिन पॉइंट 2 पॉइंट इधर लगाना आपने को और ये परसेंटेज परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो फिर ये 42% करेक्ट ऑप्शन अपना सही चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पॉपुलेशन दैट इज हार्डी रिंगबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इंडिविजुअल एलील नहीं रिसेसिव एलील फॉर अ सर्टेन हेरिडिटी ट्रेट कितने देर की है 0.20 या 0.2 या 0.2 हो सकता है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो द डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब सुनिए जी पी स्क्वायर और 2pq पी स्क्वायर और 2pq की बात कर रहा है तो यहां पर जो है वो अपने पास में क्या गया है सर क्यू की वैल्यू है 0.2 क्यू की वैल्यू आ गई 0.2 तो p की निकाल लेंगे तो p की वैल्यू आ जाती है इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 आ जाता है जी। अब नेक्स्ट जनरेशन में पूछ रहा है तो
तो नेक्स्ट लिस्ट में अकॉर्डिंग क्या आएगा ये तुम लिस्ट? जैसे इसमें जी डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया तो 0.64 हो गया जी, और हेटरोजाइगस के लिए हां 2.2 * 0.882 बिल्कुल, ये हो गया 0.32 बिल्कुल, इनका टोटल हो जाएगा क्योंकि ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। ने ये जो निकाला है बच्चों, ये तो निकाला है p² और ये निकाला है ये 2p, ये 2p, तो इन दोनों को टोटल कर देंगे बिल्कुल डोमिनेंट आ जाएगा। इसका मतलब है 1 3 2 6 9 यानी 96% अगर इन 200 करेंगे तो बिल्कुल क्यों, तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें सुनील जी कि डोमिनेंट पूछा है बिल्कुल, उसी इक्वेशन को ऐसे चेंज कर दिया कि p² + 2pq जो है प्लस q² बराबर 1 था, आपने पूछा था ये है, ये पूछा है p² + 2pq बराबर 1 - q² ठीक है, और जो पूछे उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया बिल्कुल, और इतना अगर कैलकुलेट भी नहीं करो तो अपना डायरेक्ट ये आ गया q² अपने को दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करते ही ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वो आपको 1 - 0.4 करना है, वो 1 - 0.04 करना है, तो ये अपना 96% डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, इन ए रैंडम मेटिक पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रिसेसिव एलील की डिजीज कॉजिंग 80% दे रखा है, यानी 0.8 क्यू वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल, what would be the frequency of carrier individual in that मतलब 2pq की ये बात कर रहे हैं, तो ये अगर q इतना दे रखा है तो p यहां पर 0.2 और यानी 32 हो गया, तो p आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 - 0.8 बिल्कुल, ये आ जाएगा 0.2 और अपने से पूछ लिया 2pq ये दिन से कितना आ जाएगा 2 * p कितना है p 0.2 और q कितना है 0.8 8 × 16 = 32 32 तो आएगा लेकिन तो ये पॉइंट परसेंटेज में इनटू 100 करना है इसको, और इनटू 100 करते ही अपना आंसर 32% है ठीक भाई। हड़ी विनपत की इजी क्वेश्चन है, बस इनको आपको अप्रोच करना आना चाहिए बिल्कुल। एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है सुनील जी, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है बराबर रिप्रोडक्शन का, डोमिनेंट एलील 0.7 यानी पी की वैल्यू दी हुई है ना, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, फिनोटाइप रिसेसिव फिनोटाइप q² स्क्वायर बराबर 1 - p² + 2pq कह सकते हैं, या सिंपल भी बच्चे इसको कर सकते हैं, अगर सिंपल करें तो ये तीन से डोमिनेंट का दे रखा है तो आपको p दे रखी है 0.7 जी, तो q आ गया निकाल लें जी 1 - 0.7 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3, अपने से पूछ क्या रहा है q² अगर पूछ रहा है इसका मतलब 3 × 3/10 और लगा दो 10 × 10 = 100 रहेगा, तो ये कितना हो गया 9/100 और 9/100 कितना आता है 0.8 क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप ऑफ करैक्टर, रिसेसिव फिनोटाइप दे रखा है इसका मतलब q² बोल रहा है, q² कितना बोल रहा है ये तुम सर 0.36 बोल रहा है, ये इसको मैं q² को ऐसे भी लिख सकता हूं, बायोलॉजी के बच्चे हैं तो 36/100 भी लिख सकता हूं ये तरीके से बिल्कुल, और क्यू अगर पूछ रहा है हां बायोलॉजी के बच्चे को थोड़ी सी जरूरी होती है, तो इसको अंडर रूट कर दें अपन, तो ये कितना आ जाएगा 36/100, छाव छाव कितने होते हैं 36 और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ गया मेरे पास में। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड, इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, तो पी कितना हो जाएगा 1 - 0.6 कितना 0.4, और क्या पूछ रहा है 2pq पूछ रहा है, तो 2pq आ जाएगा मेरे पास 2 * p कितना 0.4 * 0.6, हां बच्चों 6 * 24 = 48 48 आ जाएगा, लेकिन एक बिंदी और दो बिंदी इधर लगाना है आपको, परसेंटेज दे नहीं रखा है इसका मतलब बिंदी में ही आंसर बोलना है 0.48 ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, मतलब यहां पे हाइब्रिड लिखा है इसका मतलब हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस फॉर्म की बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 इंडिविजुअल और ये मतलब p² बिल्कुल, और ये वाला 2pq और ये मतलब आपका q² हो गया, तो फिर उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन दिस पॉपुलेशन जी, एलील ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे पता करनी है क्यों जी, तो मतलब q² कितना दिया इसमें, q² है अपने पास 160 160 और कितने में से
टोटल ये हो जाएगी 1000 ना। हां हां, इसका मतलब है ये अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं 0.160 क्यों जी बिल्कुल, और इसका मतलब है q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 बिल्कुल ठीक कहा आपने क्यों हां 0.4 आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड चला लेना क्यों वही अंडर रूट करके बच्चे हां अंडर रूट करके वो सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 जी, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन केस ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और रिसेसिव भी दे रखी है, इसका मतलब है उसको इस तरह की बात कर रहा है कितनी 9% बोल दो या फिर बटे 100 लगा दो इसकी, तो मैं इसको 0.09 भी कह सकता हूं क्यों। Then what is the frequency of homozygous dominant genotype and heterozygous genotype, दोनों की ये बात करना चाह रहा है। अब अगर ऐसा हो तो q square अगर ये है तो p square मेरा कितना आ जाएगा, पहले q निकाल लेते हैं, पहले q को निकाल लेते हैं जी जी, q को अगर निकालें तो मैं इसको सिंपली 9/100 लिख के अंडर रूट कर दूं इसका, ये मेरे पास 3/10 आ जाएगा और 3/10 0.3 आ जाएगा। ये अगर 0.3 आ गया तो p plus q बराबर 1 होता है, तो वहां से p कितना आ जाएगा 1 minus 0.3 0.7 आ जाएगा क्यों। अब ये क्या कह रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट 0.7 into 0.7 ये तो आ जाएगा 0.49 और परसेंटेज में तो 49% हो जाएगा क्यों। अब यही है हां, फिर भी बच्चों को बता देते हैं p स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो 0.7 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है आपको, 0.7 से करना है, ये कितना आ जाएगा अपना 49% आ जाएगा। और ऐसे 2pq अगर पूछ रहा है तो 2pq कितना हो जाएगा 2 × 7 × 7 = 21 = 42, तो ये 42% आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेटिव पोर्शन है, बस ये जरूर देख लेना जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो फार्मूला p + q = 1 लगाना है या p स्क्वायर + 2pq मतलब उसी को बार-बार चेंज करना है, उसी को ही चेंज करना है, पूछ क्या रहा है बिल्कुल, एक चीज देगा दूसरी पूछेगा, यानी जैसे अगर पूछ ले कि केवल जो है होमोजाइगस कितने हैं, हां p स्क्वायर + q स्क्वायर = 1 - 2pq बिल्कुल वही पूछ सकते हैं, मतलब नचाना है अगले को, वो कैसे भी नचा सकता है अपने को क्यों। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया गया, इसके अलावा हार्डी विनबर्ग के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल थे उनके बारे में बात की क्यों इतने से बिल्कुल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लिंकेज के साथ, और लिंकेज के नो डाउट बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं, लिंकेज मैप की बात करेंगे और लिंकेज वो ड्रोसोफिला के जितने क्रोसेज बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में तो कुछ चीजें आई, हां बिल्कुल बिल्कुल, तो इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।